नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 के विज्ञान विषय के 8वें अध्याय कोशिका संरचना एवं प्रकार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम पृथ्वी पर बहुत सारे पदार्थ जैसे कि सजीव और निर्जीव को देखते हैं। ये सभी अपने अपने कुछ विशिष्ट प्रकार के गुणधर्म रखते हैं, जिनके कारण ही हम इन्हें सजीव या निर्जीव में बांट सकते हैं। यह सभी पदार्थ किसी न किसी अन्य पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यह जिन पदार्थों से मिलकर के बने होते हैं वही इनकी रचनात्मक इकाई कही जाती है। विद्यार्थी मित्रों, यदि हम किसी मकान की बात करें तो मकान बहुत सारी दीवारों से मिलकर के बना होता है, परंतु यह दीवार भी किसी न किसी इकाई से मिलकर के बनी होती है। यदि हम इस दीवार को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि इस दीवार की संरचना में सबसे ज्यादा भूमिका ईंटों की होती है। यानी जो ईंटें हैं वह आपस में विविध प्रकार के रसायन जैसे कि सीमेंट और रेती से जुड़ करके एक दूसरे के साथ मिल करके दीवार की रचना करती है। यानी दीवार की जो रचनात्मक इकाई है वह ईंटें हैं। छोटी छोटी ईंटें आपस में मिलकर के दीवारों की रचना करती है। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, यह दीवारें आपस में मिलकर के एक मकान की रचना करती है। यदि हम बात करें किसी सजीव के विषय में या मनुष्य के विषय में, तो मनुष्य का शरीर विविध प्रकार के अंगों से मिलकर के बना होता है, और यह जो अंग है वह विविध प्रकार की मांस पेशियों से मिलकर के बने होते हैं, और यह मांस पेशियां निश्चित प्रकार की इकाइयों से मिलकर बनी होती है जिन्हें हम कोशिका के नाम से जानते हैं। यह छोटी छोटी इकाई यानी कोशिकाएं आपस में मिलकर के मांसपेशियों की रचना करती हैं, और यही मांसपेशियां अंगों की रचना करती हैं, और यही अंगों से हमारा शरीर बनता है। यानी विद्यार्थी मित्रों, हम कह सकते हैं कि किसी भी सजीव की जो संरचनात्मक इकाई है वह उसकी कोशिकाएं हैं, क्योंकि यह कोशिकाएं ही आपस में मिलकर के सजीव के शरीर की संरचना करती हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब चलिए हम कोशिकाओं के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, और जानकारी प्राप्त करते हैं कि कोशिकाओं की खोज कैसे हुई। तो विद्यार्थी मित्रों, सन 1665 में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक एक लकड़ी के कॉर्क यानी एक लकड़ी के टुकड़े का सूक्ष्मदर्शक यंत्र की सहायता से अभ्यास कर रहे थे, और जब उन्होंने इस लकड़ी के कॉर्क का ध्यानपूर्वक अभ्यास किया या सूक्ष्मदर्शक यंत्र में जब उन्होंने इसे देखा, तब उसमें उन्होंने एक जाली समान रचना देखी। उन्होंने इस जाली समान रचना को ध्यान से देखने पर पता लगाया कि यह रचना तो बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देती है। विद्यार्थी मित्रों, इन मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई देने वाली रचना का जब उन्होंने और बारीकी से अभ्यास किया, तब पाया कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स जैसी संरचना दिखाई देती है, यानी छोटे छोटे कोष्ठ दिखाई देते हैं, और रॉबर्ट हुक ने इन कोष्ठों को ही कोशिका के नाम से जाना। विद्यार्थी मित्रों, हम सभी सजीव निश्चित प्रकार की इन इकाइयों से मिलकर के ही बने होते हैं, परंतु विद्यार्थी मित्रों, रॉबर्ट हुक ने जब इन कोशिकाओं के विषय में जानकारी दुनिया को दी, उस समय इसका और अधिक विस्तृत अभ्यास करना मुश्किल था। इसका और अधिक विस्तृत अभ्यास रॉबर्ट हुक के कोशिका की जानकारी देने के लगभग 150 वर्षों के बाद सरल बना। कोशिका की खोज होने के लगभग 150 वर्षों के बाद उसके विषय में विस्तृत जानकारी सूक्ष्म दर्शक यंत्र की सहायता से संभव बनी। उसके बाद कोशिकाओं का अभ्यास और अधिक सरल बना और कोशिका वाद उत्पन्न हुआ। विद्यार्थी मित्रों, चलिए थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त करते हैं कोशिका के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, जिस तरह से हमने थोड़ी देर पहले बात की कि विविध प्रकार की दीवारें बनने के लिए ईंटों की आवश्यकता होती है, यानी ईंटें आपस में मिलकर के दीवार की रचना करती है, इसी प्रकार जब प्याज का अभ्यास किया गया तब उसमें भी पाया गया कि जो कोशिकाएं हैं वे इस प्रकार की दीवारों की तरह ही एक दूसरे के साथ जुड़ करके संरचना बनाती है। यानी दीवार की संरचना और हमारे शरीर में पाई जाने वाली मांसपेशियों की संरचना लगभग लगभग एक समान थी। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, हम कह सकते हैं कि ये जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं आपस में मिलकर के ही हमारे शरीर की रचना करती हैं। यानी यह कोशिकाएं ही हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कही जा सकती है। यानी हम कह सकते हैं कि हमारा शरीर जिस छोटी से छोटी संरचना से मिलकर के बना होता है वह संरचना कोशिका कही जाती है। यानी
शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम कोशिका के नाम से जानते हैं। परंतु विद्यार्थी मित्रों, कई बार मन में प्रश्न उठता है कि क्या यह कोशिकाएं सभी एक समान साइज की होती है। तो विद्यार्थी मित्रों, चलिए अब हम अपने इस प्रश्न का निवारण प्राप्त करते हैं। सजीवों में कोशिकाओं की संख्या, आकृति और उनके साइज में भिन्नता होती है। किस प्रकार? तो विद्यार्थी मित्रों, अगर हम किसी हाथी की बात करें तो वो कितना विशाल है हम देख सकते हैं, और चींटी यह अत्यंत सूक्ष्म होती है। हाँ, ये बात और है कि हम इन्हें अपनी निरी आंखों द्वारा देख सकते हैं, परंतु इनमें से कोई सजीव आकार में अत्यंत बड़ा है, कोई सजीव आकार में अत्यंत छोटा है। वही बात करें हम शुतुरमुर्ग की, तो शुतुरमुर्ग पक्षी काफी बड़ा होता है, जबकि एक चिड़िया आकार में काफी छोटी होती है। उसी प्रकार यदि हम किसी वृक्ष की बात करें तो हम जानते हैं कि बरगद का पेड़ काफी बड़ा होता है और तुलसी एक पौधे के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो जिस तरह से विद्यार्थी मित्रों पृथ्वी पर पाए जाने वाले सजीवों के आकार में भिन्नता होती है, उसी प्रकार उनके शरीर की संरचना में उपयोग में ली जाने वाली कोशिकाओं के आकार में भी भिन्नता होती है। सभी कोशिकाएं एक समान आकार की नहीं होती, कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी होती हैं, कुछ कोशिकाएं आकार में छोटी होती हैं। विद्यार्थी मित्रों, कोशिकाओं का अभ्यास करने के लिए उन्हें अभिरंजित किया जाता है। यदि हम कोशिकाओं को अभिरंजित नहीं करते हैं तो वह हमें इस प्रकार की ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देती है, जिससे उनका और अधिक अभ्यास करना थोड़ा सा जटिल हो जाता है। इसलिए उन्हें विविध प्रकार के रसायन द्वारा अभिरंजित किया जाता है, जिससे वे रंगीन बन जाती हैं और उनका अभ्यास करना और अधिक सरल हो जाता है। विद्यार्थी मित्रों, अब चर्चा करते हैं कोशिकाओं की संख्या के विषय में। तो विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बात की कि एक विशालकाय जो हाथी है उसके शरीर का आकार काफी बड़ा है, तो उसके शरीर में जो कोशिकाएं हैं उनकी संख्या भी अत्यधिक होगी। जबकि अगर हम बात करते हैं चींटी की, तो चींटी का आकार छोटा है, अतः उनके शरीर के अंदर जो कोशिकाओं की संख्या है वह कम होनी चाहिए। परंतु विद्यार्थी मित्रों, एक बात आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर में जो कोशिकाओं की संख्या है वे मात्र सजीव के आकार के ऊपर आधार नहीं रखती, परंतु उनके शरीर के अंगों द्वारा होने वाले कार्य पर भी आधार रखती है। शरीर का जो अंग सबसे अधिक व्यस्त होता है या सबसे अधिक कार्य करता है, उस अंग में कोशिकाओं की संख्या बहुत ज्यादा होती है। जैसे कि हमारा मगज, या हम कह सकते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वह हमेशा व्यस्त रहता है या सबसे अधिक कार्य करता है, इसलिए हमारे मस्तिष्क में अरबों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं। विद्यार्थी मित्रों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो सजीव हैं उनके शरीर में अरबों या खरबों की संख्या के अंदर कोशिकाएं पाई जा सकती हैं, जो कि उनके कार्य और उनके आकार पर आधार रखती हैं। विद्यार्थी मित्रों, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सजीवों को हम दो भागों में बांटते हैं, पहला बहुकोशी सजीव और दूसरा एक कोशी सजीव। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे सजीव कहे जा सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, चलिए सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं बहुकोशी सजीव के विषय में। विद्यार्थी मित्रों, यदि किसी सजीव का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना हो, यानी यदि किसी सजीव के शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो वह बहुकोशी सजीव कहा जा सकता है, जैसे कि मनुष्य, हाथी आदि। क्योंकि विद्यार्थी मित्रों, हमारा शरीर एक ही कोशिका का नहीं बना होता, हमारे शरीर में करोड़ों या अरबों की संख्या में कोशिकाएं पाई जाती हैं। विद्यार्थी मित्रों, हमारा शरीर का प्रत्येक अंग निश्चित प्रकार के कार्य करने के लिए बना होता है, जो कि विविध प्रकार की कोशिकाओं से ही मिलकर के बना होता है, यानी प्रत्येक अंग का निश्चित प्रकार का कार्य होता है। जैसा कि आप जानते हैं, हम चलने के लिए पैरों का इस्तेमाल करते हैं, विविध प्रकार के कार्य करने के लिए या पकड़ने के लिए हाथ का इस्तेमाल करते हैं, हमारे नेत्र की सहायता से हम देख सकते हैं, हमारे जीभ की सहायता से हम स्वाद परख सकते हैं, यानी हमारे प्रत्येक अंग का कार्य अलग अलग है। अतः विद्यार्थी मित्रों, इन सभी की संरचना में उपयोग में ली जाने वाली कोशिकाओं का आकार भी अलग अलग हो सकता है, उनका प्रकार भी अलग अलग हो सकता है, यानी हमारा शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का मिलके बना होता है और वह प्रत्येक अंग निश्चित प्रकार का कार्य करते हैं, यानी बहुकोशी सजीवों में कार्य का विभाजन देखने को मिलता है। परंतु विद्यार्थी मित्रों, कुछ सजीव ऐसे भी होते हैं जिनके शरीर बहुकोशी नहीं होते, वे मात्र एक ही कोश के बने होते हैं, यानी उनका पूरा शरीर मात्र एक ही कोशिका का बना होता है, यानी उनके शरीर की संरचना में मात्र एक ही कोश सभी प्रकार का काम करते हैं, जैसे कि श्वसन करना,
पाचन करना, उत्सर्जन करना, परिपाचन करना आदि, जैसे कि अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम यह एक ऐसे जीव हैं कि जिनके शरीर के अंदर मात्र एक ही कोष पाया जाता है और वे इन एक ही कोष की सहायता से श्वसन की प्रक्रिया, उच्छ्वास की प्रक्रिया या हम कह सकते हैं परिपाचन, भोजन का ग्रहण करना जैसी सभी दैधार्मिक क्रियाएं एक ही कोष द्वारा की जाती है, यानी यह सभी सजीव एक कोशी सजीव कहे जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आपको जानकर के एक आश्चर्य भी होगा कि जितने भी बहुकोशी सजीव हम देखते हैं उन सभी के सजीवों की शुरुआत एक कोशिकीय जीवों से ही हुई है। विद्यार्थी मित्रों, अगर आप अमीबा और पैरामीशियम को देखना चाहते हैं तो आप अपने घर के पास के किसी तालाब में जाएं और वहां पर जो स्थिर पानी पड़ा हुआ है उसकी थोड़ी सी मात्रा आप एक स्लाइड पर रख करके सूक्ष्मदर्शक यंत्र की सहायता से यदि आप अभ्यास करें तो आप उसके अंदर अमीबा या पैरामीशियम जैसे प्रजीव जरूर देख पाएंगे जो कि एक कोशीय जीव है। यह एक कोशीय जीव जैसे कि अमीबा भोजन का ग्रहण करता है, उनको पचाता है, श्वसन करता है, उत्सर्जन करता है, वृद्धि करता है और प्रजनन भी करता है, यानी विद्यार्थी मित्रों सभी की सभी देहधार्मिक क्रियाएं इन जीवों द्वारा की जाती है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की कि बहुकोशी जीवों में भी यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह के द्वारा किए जाते हैं और कोशिकाओं का यह समूह उत्तक का निर्माण करता है, यानी पेशियों का निर्माण करता है और विभिन्न उत्तक अंगों का निर्माण करते हैं। यानी विद्यार्थी मित्रों हम इतना कह सकते हैं कि सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका है। यह कोशिकाएं आपस में मिलकर के उत्तकों का निर्माण करती है यानी पेशियों का निर्माण करती है और यही पेशियां आपस में मिलकर के अंगों का निर्माण करती है और सभी अंग निश्चित प्रकार का कार्य करते हैं और यह अंगों के संरचना के द्वारा हमारे शरीर का निर्माण होता है। विद्यार्थी मित्रों आशा करता हूं कि आपने कोशिका के विषय में सामान्य जानकारी प्राप्त की होगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाजू में लगे हुए बेल आइकॉन बटन को भी दबाएं ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें।